यस फ्रेंड्स, आज अपन सीखते हैं क्या परचेज सेल की जब अपन जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, जब अपन क्या करते हैं परचेज और सेल की जर्नल एंट्री पास कर देते हैं तो GST जो अपने को शो होता और उसको आज अपन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर, टैली से एक्सपोर्ट कैसे करना है एक्सेल के अंदर। तो अपन जब जर्नल एंट्री पास कर देते तो कैसा लुक दिखता उसका बैलेंस शीट में अपन, ऐसा अभी अपन ने परचेज और सेल की जर्नल एंट्री सीखे हुए। तो अपन गए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो GST इनपुट CGST और परचेज की करें तो क्या दिखता अपने को, इनपुट CGST इनपुट SGST, ठीक है। सेल का करें तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST। अब इसको GST के अंदर अपन रिपोर्ट में कैसा देखेंगे, उसकी एक रिपोर्ट बन जाती है इसकी बैक ऑफ द टैली में इसकी रिपोर्ट बन जाती है, जो आपको क्या करता है GST ऑनलाइन फाइल करने में हेल्प कर सकती, ठीक है। उसको देखते अपन, मैंने यहाँ दूसरी टैली खोल कर ओपन करके रखा हूँ, मैं आपको पहले से बताता हूँ, वही सेम है, दो टैली खोला मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये आउटपुट CGST आउटपुट कितना है 6000, मतलब सेल के टाइम, और इनपुट कितना है 18000, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी दिख रहा है उसका टोटल 18000 और 6000। तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट में किधर बताएगा, डिस्प्ले में जाना है आपको सीधा, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में गए, उसके बाद अपने को जाना है स्टैचुटरी रिपोर्ट में जाना है, उसके बाद GST में जाना है, उसके बाद 3B बोलना है, GSTR 3B, जो कि ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है GST पोर्टल पे। यहाँ पर गए अपन, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि डेट अच्छे से यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपका पीरियड रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पीरियड ले लेता हूँ, मेरे पास दो ही एंट्री है तो कोई उसमें वो नहीं है, आपके पास जो भी आपकी डेट रहेगा, जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा, वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जो भी महीने का आपको देखना है तो वो हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ ये शो करेगा, देखो एक मिनट कैसा शो कर रहा है, ये 50,000 टैक्सेबल वैल्यू बराबर, ये क्या है यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज है, आउटवर्ड मतलब सेल के टाइम पर, आउटवर्ड मतलब सेल के टाइम पर शो कर रहे हैं, और इनवर्ड मतलब क्या है, एक मिनट फिर से, लोकल सेल कितना हो रहा है ये, हाँ 50,000, उसके ऊपर GST कितना है टैक्स अमाउंट 6,000, देखो एक मिनट GST 6,000, सेल के ऊपर ये दोनों मिला के, ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए 6,000, तो वहाँ पर करके ये 6,000 शो कर रहा है। भी लोकल परचेज कितना है 1 लाख, राइट, बट और 18,000 उसका इनपुट GST बता रहा, इनपुट GST कितना 18,000 है, कैसा 18,000, ये दोनों मिला के परचेज के टाइम का, 9 और 9 कितने 18, तो ऐसा टोटल बता रहा है। अगर ये अपन राइट साइड में, अगर ये व्यू रिटर्न फॉर्मेट में क्लिक करें तो रिटर्न फॉर्मेट में दिखता है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में, हाँ ये जो एलिजिबल ITC है, ITC मतलब कितना, इतना 18,000 परचेस के टाइम पर अपने को अवेलेबल है, वो शो कर रहा है, देखो 18,000, ये 9 और 9 18,000, और ऊपर वाला जो 6,000 है टैक्सेबल वैल्यू, उसकी कितनी टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जिस पर GST लगने वाला है 50,000 पे, ये 6,000 क्या है, ये 3 और 3 मिला करें। अब इसको अपने को एक्सपोर्ट करना है व्यू समरी बोल के, यहाँ पर अगर मैं इसको किस एक्सपोर्ट करना है मेरे को एक्सेल में, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या प्रेस करूँगा, अल्ट ई प्रेस करूँगा, अल्ट ई, और यहाँ पे एन प्रेस करूँगा, ठीक है, क्या प्रेस करूँगा, यहाँ पे एन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को कौन से फॉर्मेट में होना, एक्सेल में, और ये कहाँ सेव हो रही वो बता रहा है, सी में, प्रोग्राम फाइल में, टैली में, टैली ERP 9 में सेव हो जाएगा। अभी यहाँ टैली नाम दिया हुआ है, आपको जो भी नाम देना है वो अपन दे सकते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ उसका, यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं उसका, बैक स्पेस से कट होता हूँ, नाम जो भी देना है अपने को, परचेज सेल देता हूँ सपोज में, परचेज एंड परचेज सेल्स, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस किया अपन, अभी ये कहाँ सेव होता है, ये एक्सपोर्ट लोकेशन है ना, वहाँ पर सेव होता है ये, सी प्रोग्राम फाइल में, टैली में, टैली ERP 9 में जाकर, वहाँ पर जाके चेक करना है अपने को जो भी है, ये कंप्यूटेशन एंटर प्रेस करके मैं आगे बढ़ गया हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको सी में जाकर, प्रोग्राम फाइल में जाकर, टैली ERP 9 में जाकर बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको एंटर प्रेस किया तो ये देखो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया, क्या नाम से, ये ऊपर नाम देख रहे हो परचेज और सेल है, एक्सेल की फाइल का नाम,
तो अभी मैं सी में जाता हूँ और देख चेक करता हूँ कि वो कहाँ पर आई बोलकर। प्रोग्राम सी में जाओ बोला था ना, प्रोग्राम फाइल में, और उसके बाद टैली में जाओ बोला था उसने। मैं टैली में गया, टैली ERP 9 में। आपके उसमें कोई भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नाम हो सकता हो, तो वहाँ पर जाके ऐसा चेक कर लेना है। ये देखो परचेज़ और सेल, आए समझ में? परचेज़ और सेल यही है वो, यही फाइल का नाम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये समरी आ गई। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ये इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया। मैं इसको क्लोज़ करता, आप कुछ यहाँ से कट पेस्ट कर देना, आपका जो भी फोल्डर रहेगा वहाँ पे आप उसको लेके आराम से चले जा सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।